हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक अम्ब्रेला, रेन बेस्ड रिलेटिव मोशन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अम्ब्रेला रेन बेस्ड प्रॉब्लम रिलेटिव मोशन का ही एक पार्ट है, लेकिन इस टॉपिक को अलग से एक्सप्लेन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको समझ के अम्ब्रेला रेन बेस्ड प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि किसी भी अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम को रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से समझा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी क्वेश्चन में रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रही है और इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है, सो हम इसे वेक्टोरियल फॉर्म में 10 जे वेक्टर विथ माइनस साइन से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि जिस कन्वेंशन को यूज किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली आई और जे को एक्स और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसिडर किया जा रहा है। अब 10 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड फॉल होने वाली रेन को अगर कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते हुए और उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को 10 यूनिट बताया जाए, तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में 10 आई कैप लिख पाएंगे। अब ध्यान दें कि रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, इस प्रॉब्लम को अगर हम कुछ ऐसे समझ लें कि हमें कैलकुलेट करना है कि इस ऑब्जर्वर ने इस रेनफॉल को किस डायरेक्शन में आता हुआ महसूस किया, तो सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी इस रेन के लिए मैन के रिस्पेक्ट में लिखी जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यहां पर रेन की वेलोसिटी एक्चुअली माइनस 10 जी और मैन की 10 आई कैप है। सो इन वेक्टर्स को अगर मैं अप्लाई करूं इस फॉर्मूले में, यहां पर इस रिलेटिव टर्म को चेंज करके मैं आर कॉमा एम से प्रेजेंट कर रहा हूं। आर कॉमा एम नोटेशन से आप ये समझे कि ये रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट। सो क्लियरली जो फॉर्मूला हमने अपने रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्लिप में एक्सप्लेन किया है, रिलेटिव वेलोसिटी वाली क्लिप को हमने काइनेमेटिक पैरामीटर्स फ्रॉम ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम के फॉर्मेट में बनाया है। इस टाइटल के नाम से इस क्लिप को तैयार किया है, आप इसे देख सकते हैं एक बार। सो रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह के फॉर्मूले से दी जाएगी, ये हमने उस क्लिप में डिस्कस किया है। अब अगर मैं इसमें वैल्यूज अप्लाई करूं तो रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में आएगी कुछ इस तरह से, आप ध्यान से देखें, यह होगी माइनस 10 जे माइनस 10 आई। और अब अगर इस माइनस 10 आई माइनस 10 जे वेक्टर को मैं क्रिएट करूं तो कैसा वेक्टर बनेगा, एक बार समझें। यह वेक्टर होगा माइनस 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। और अब अगर मैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कराऊं, जो कि वेक्टर थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट है, तो कुछ इस तरह का रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। और यह बात इससे क्लियर हो जाती है कि इस मूविंग मैन को यह रेन बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ डिग्री एंगल वर्टिकल से बनाते हुए फॉल होती दिखाई देगी। यानी अगर ये ऑब्जर्वर रेस्ट में होता तो इसे ये रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होता हुआ दिखता, लेकिन चूंकि ऑब्जर्वर मूवेबल है तो इसे रेन का डायरेक्शन कुछ इस तरह का दिखाई देगा, यह वर्टिकल से बैकवर्ड कुछ एंगल बनाता हुआ है। सो इस तरह से आप रिलेटिव कंसेप्ट से इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे। कुछ बातों पर और ध्यान दें जो हम अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और जिसकी मदद से सवाल के कुछ स्टेप सिंपल किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी क्वेश्चन में यह कहा जाता है कि एक ऑब्जर्वर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से और उसे रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। अब इस वर्डिंग को और इसे डिफर करें, इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने ये कहा था कि रेनफॉल वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, इस एग्जाम्पल में हम ये कह रहे हैं कि इस ऑब्जर्वर को रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रहा है। इसका मतलब रेन की एक्चुअल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, ये इसे अपीयर हो रहा है कुछ इस तरह से।
सो अब अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि रेनफॉल का एक्चुअल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो क्लियरली समझें कि 10 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते हुए ऑब्जर्वर के लिए अगर रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हम ये जनरली विजुलाइज कर सकते हैं कि जिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से यह ऑब्जर्वर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, वही वेलोसिटी कंपोनेंट रेन के पास भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना चाहिए। सो क्लियरली बिना किसी कैलकुलेशन के हम ये कह सकते हैं कि अगर 10 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता हुआ ऑब्जर्वर रेनफॉल को वर्टिकली डाउन आता देख रहा है, तो उस रेनफॉल की वेलोसिटी के एक कंपोनेंट को एक्स एक्सिस के अलोंग 10 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। और यही वजह है कि रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सपीरियंस कर पा रहा है हमारा ऑब्जर्वर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों की एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट मैच कर जाएंगे, तो इन दोनों को एक दूसरे के रिलेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग किसी प्रकार का मोशन एक्सपीरियंस नहीं होगा। और इस कंडीशन में रेन की वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वही कंपोनेंट हमारा ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस कर पाएगा। इस बात को एक जनरल आइडिया से आप एक्सपीरियंस करें। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डे में रेनफॉल में एक रेड कलर की ड्रॉप गिरने वाली है, एक एग्जाम्पल, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ये माने कि एक रेड कलर का ड्रॉप रेनफॉल में गिरने वाला है। मैं इसी एग्जाम्पल से उसको सिमिलराइज कर रहा हूं। अब ध्यान दें, मान लीजिए आप 10 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं और एक रेड कलर की ड्रॉप जो आज रेन में स्पेसिफिकली गिरी है आपके हेड के ठीक ऊपर है। अगर मैं इस क्वेश्चन से अपने डाटा को मैच कराऊं तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, एक बार आप ध्यान से देखें कि आप 10 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं और आपको वो रेड ड्रॉप अपने हेड के ऊपर दिखाई दे रही है। आप चलते जा रहे हैं, देन अगेन वो आपको अपने हेड के ऊपर दिखाई दे रही है और फाइनली वो आपके हेड पे ही आके गिर जाती है। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस ऑब्जर्वर का यही होना चाहिए कि ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, जबकि हम ये जानते हैं कि अगर कोई तीसरा ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन में ग्राउंड के फ्रेम से बैठ के देखता तो ये रेड कलर की ड्रॉप हॉरिजॉन्टली उसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही दिखेगी उसे जिस वेलोसिटी से ऑब्जर्वर ट्रेवल कर रहा है, और यही वजह है कि वो रेड ड्रॉप हमेशा उसे अपने हेड के ऊपर दिखाई देती है। सो ये बात इस डाटा से कि इस ऑब्जर्वर को रेन वर्टिकली गिरती दिख रही है एनालाइज की जा सकती है कि रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10i होना चाहिए। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर और दे दी गई होंगी इस क्वेश्चन में तो हम इस वर्टिकल कंपोनेंट को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये कह दिया जाए कि जब ऑब्जर्वर ने अपनी स्पीड को डबल किया तो अपनी स्पीड को डबल करने के बाद इसे रेन वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होती नजर आई, तो उस केस में जब इसने अपनी वेलोसिटी को डबल किया तो क्लियरली रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। जब ऑब्जर्वर अपनी स्पीड को डबल कर लेगा तो इस 20 मीटर पर सेकंड से चलने वाले ऑब्जर्वर को रेन 10 मीटर पर सेकंड से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होती नजर आई। ये बिल्कुल क्लियर है, आप समझ सकते हैं कि इसे ऑब्जर्वर मानते हुए रेन का ये कंपोनेंट 10 अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। और मान लीजिए रेन का वर्टिकल कंपोनेंट वी है, तो उस केस में रेन की वेलोसिटी में ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो एक वेलोसिटी कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड होगा और एक वेलोसिटी कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और चूंकि ये गिवन है प्रॉब्लम में कि रेनफॉल आपको वर्टिकल से 45 डिग्री बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स को जो कि रेनफॉल के वेलोसिटी कंपोनेंट है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, अगर इन दोनों कंपोनेंट को मिला के एक ट्रायंगल कंप्लीट किया जाए तो इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से दिया जाए। और हम ये जानते हैं कि अगर इस ट्रायंगल का ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, और इक्वल एंगल्स होने की कंडीशन में इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वल होना चाहिए। हम जानते हैं कि एंगल सेम होने पर किसी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम हो जाती है। सो 10 और V का मैग्नीट्यूड सेम करने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि V का वैल्यू 10 है। सो इस तरह से V का वैल्यू 10 आने के बाद रेन की एक्चुअल वेलोसिटी को
10 आई कैप माइनस 10 जे कैप के रूप में प्रेजेंट किया जा सकेगा। सो कुछ बातें जनरल आइडिया से भी कैलकुलेट की जा सकती हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस तरह से किसी फॉर्मूले को यूज नहीं किया है। जब ये बोला गया कि ऑब्जर्वर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और उसे रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होता नजर आ रहा है, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि रेन की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैन की वेलोसिटी से सेम होगा, मैन की वेलोसिटी के सिमिलर होगा। और इन दोनों कंपोनेंट को सिमिलर करने के बाद जब दूसरी इंफॉर्मेशन के रूप में यह दिया गया कि मैन की स्पीड डबल होने के बाद यह वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में नजर आई 45 डिग्री वर्टिकल से, तो इस जानकारी से हमें यह पता लग गया कि रेनफॉल का वर्टिकल कंपोनेंट भी 10 है। सो इस तरह से एक जनरल आइडिया से हम यह कैलकुलेट कर पाए कि इस प्रॉब्लम में रेन की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। सो अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम का हर प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी का ही प्रॉब्लम है। आप उसे रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से हमेशा सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को भी अगर आप ये सब एनालिसिस किए बिना रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से करते तो ये सॉल्व होता। क्या स्टेप्स होते एक बार आप समझे। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो आप सबसे पहले इस प्रॉब्लम में रेन की वेलोसिटी को एक्चुअल वेलोसिटी को डिफाइन करते। मान लीजिए आप इसके दो कंपोनेंट यू एक्स और यू वाई डिफाइन करते तो वेक्टर फॉर्म में आप रेन की वेलोसिटी को लिखते यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जे कैप। यहां पर मैं उस फ्रेम का ही लगातार यूज कर रहा हूं, आप ध्यान देते रहे। सो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी होती यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जे कैप। अब पहली गिवन कंडीशन में यह बताया गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड से चलते हुए ऑब्जर्वर इस रेन को वर्टिकली फॉल होता हुआ देख पा रहा है। सो इस कंडीशन को अब अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले में अप्लाई करूं तो मुझे क्या आउटकम मिलेगा, एक बार आप समझे। ये सब मैं यहां से हटा रहा हूं, ये आप समझ चुके हैं। सो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, पहली कंडीशन। और अब अगर मैं आई और जे के कंपोनेंट अलग करूं तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। सो रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह आएगी। और चूंकि गिवन है कि मैन को फर्स्ट कंडीशन में रेन वर्टिकली फॉल होती नजर आई तो इस कंपोनेंट का आई वैल्यू जीरो से कंपेयर किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि आई कंपोनेंट को नहीं आना चाहिए था। अगर मैन को रेन वर्टिकली डाउनफॉल होता नजर आया है तो आई कंपोनेंट नहीं आना चाहिए था। सो यूएक्स की वैल्यू 10 होनी चाहिए। सो इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया। अब यूएक्स की वैल्यू को 10 पुट करने के बाद आप कम से कम 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। और सेकंड कंडीशन से अब आपको क्वेश्चन को फाइनल करना है। नाउ सेकंड कंडीशन में जब मैन का स्पीड डबल हो गया तो उस कंडीशन में यही फॉर्मूला फिर से लगाने पर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू 10 आई कैप माइनस यू वाई जे कैप माइनस 20 आई कैप, कुछ इस तरह से लिखा जाना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी को। और सॉल्व करने पर ये बन जाएगा माइनस 10 आई कैप माइनस यू वाई जे कैप, यानी माइनस 10 आई कैप माइनस यू वाई जे कैप कुछ ऐसा वैल्यू होगा रेन की वेलोसिटी का मैन के रिस्पेक्ट में। और अब अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो इसका प्लॉट कुछ इस तरह से बनेगा, आप समझें, माइनस 10 आई कैप और माइनस यू वाई जे कैप। और चूंकि ये गिवन है कि अब रेन वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पर फॉल हो रही है तो क्लियरली इस यू वाई को 10 के इक्वल होना चाहिए। यहां पर मैं वही ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं जो मैंने इससे पहले की थी, तो यू वाई का वैल्यू आपको मालूम चल जाएगा इस तरह से 10 मीटर पर सेकेंड। सो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। कभी अगर बोला जाए कि एक ऑब्जर्वर मूविंग है और उसे रेन वर्टिकली गिरती दिख रही है तो ये बात एक जनरल एक्सपीरियंस से भी हम पता लगा सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेन की वेलोसिटी का और मैन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि यही बस एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जब इस मैन को रेन वर्टिकली फॉल होती नजर आए। आगे अपनी कई क्लिप में अम्ब्रेला रेन से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी क्रोटो में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं जो अम्ब्रेला रेन बेस्ड हैं। सो उन सभी को आप जो क्लिप बन चुकी है उनमें देख सकते हैं। फर्दर फ्यूचर में इस तरह के कई न्यूमेरिकल्स हम और सॉल्व करेंगे, उसमें आप
इन सभी टेक्निक्स को यूज होता हुआ देख सकेंगे। थैंक यू।